हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरी सुमित के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो आगाज करते हैं, जिसका ज़बरदस्त सा टाइटल है 10 सुपर फास्ट ट्रेन जो हाई स्पीड से स्टेशन स्किप कर रही हैं अपने एक मुनफरद स्टाइल में। तो ऐसे में देखते हैं जी, ये कौन कौन सी ट्रेनें हैं, किस किस अंदाज से ये स्टेशन को स्किप कर रही हैं, और ये कौन सी शानदार ट्रेनें हैं। अगर तो ये सुपर फास्ट ट्रेनें हैं तो फिर यहाँ पर हमें वेब 7 की हुक्मरानी मिलेगी। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ कि यहाँ पर हमें वेब 7 कुछ ज़्यादा तादाद में देखने को नहीं मिलेगा। 10 तो खोल लें, उसमें से अगर कोई 2-3 तक भी वेब 7 सीमित रहे तो फिर ठीक है, और अगर ये इससे ज़्यादा गया जिस तरह की पिछली कुछ वीडियोज़ में हो गए तो फिर से ये वीडियो बोरिंग हो जाएगी। लेकिन जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर प्यारे से सब्सक्राइबर पहले से हैं तो भी से इस वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं जी फिर किस किस रफ्तार से ट्रेनें स्टेशन को स्किप करती हैं और किस किस स्टाइल के साथ स्किप करती हैं, और इस उम्मीद के साथ कि हमें पूरी वीडियो में इस वेब 7 की हुक्मरानी नहीं नज़र आएगी। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो इतना देख लिया है ना, अब तो गला भी थोड़ा सा ख़राब है हार्न का। ये तो नई तरह की कोचें ला के जा रही हैं साथ, कोई पहली पहली बार देखी लगती हैं। वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, वाह, घर भी अच्छा बना के गई। ये भी वेब 7 ही है। 10 में से देखते हैं, गिनते हैं कि 10 में से कितने वेब 7 आते हैं। अगर 4-5 तक भी हुए तो फिर भी ठीक है, इससे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, लेकिन देखते हैं। अब तकरीबन 2000 यूनिट तो सिर्फ इस वेब 7 के बने हैं, तो इसलिए हर जगह यही नज़र आते हैं। वेब 5 बहुत कम नज़र आते हैं। वाह, फिर जो दूर वाली ट्रेनें हैं उनके लिए फिर है ही वेब 7। तमिलनाडु संपर्क क्रांति, तमिल नहीं कहना, तमिल कहना है, ये भी गलती दुरुस्त की थी। तमिलनाडु संपर्क क्रांति ट्रेनें कई एक चलती हैं, वो ये तो मुझे लगता है सत्या भाई के साथ भी ये नाम बहुत बार सुने हैं। कई एक रूट के ऊपर मेरा ख्याल चलती हैं ये। वाह, स्टेशन से सारी गायब हो जाती हैं कर्व बना के जल्दी ही। ये भी वेब 7 ही लग रहा है। चलो पहले 3 आए, पहले 3 तो यही आ गए, अब तो वेब 7 से चिड़ होना शुरू हो गई है अगर यही लात रहे तो। कोई और ट्रेन, कोई और लोकोमोटिव आएंगे तो पता लगेगा किसका स्टाइल सबसे अच्छा था। पता ये भी नहीं कि वो कोई और आता भी है कि नहीं। बिल्कुल प्लेटफॉर्म के साथ साथ चल रही है, इसलिए इसकी रफ्तार ज़्यादा लग रही है। हावड़ा से SMVT यानी बेंगलोर, हावड़ा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भारत में, कुछ 600 से ज़्यादा ट्रेनें रोज़ाना आती जाती हैं वहाँ, तो फिर हर वक्त ही मेला लगा रहता होगा। ओ, EMU आ गया भाई,
आवाज़ अच्छी निकाल रहा है, एक्सेलरेशन भी तका के पकड़ रहा है। ओह वाह क्या बात है, डीजल EMD लग रहा था ICF कोचेस के साथ। ये बात अच्छी है कि कम से कम वेब 7 नहीं था, बस सबसे अच्छी बात ये है अच्छी रफ्तार में है। फिर डीजल की तो फिर अपनी एक शो लगती है। फिर वेब 7 4 हो गए। एर्नाकुलम से आती है धरती। अरे अब नहीं आना चाहिए वेब 7, 4 तो हो भी गए। ये कोई और आया है, ये तो वैग 9 लग रहा है। वैग 9 और पीछे मुसाफर बरदार लगा के लाया है। ये भी ठीक है, अक्सर वैसे देखा गया वैग 9 मुसाफर बरदार कोचों के आगे। हालांकि ये फ्रीट का लोकोमोटिव है। ये साबका किंग आ रहे हैं वेब 7 से पहले के वेब 4। कभी इसका बड़ा डंका था, बड़ी वैल्यू थी वेब 7 से पहले पहले, फिर वेब 7 ने इसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन अभी भी काफ़ी जगह पे नज़र आता है, कम अज़ कम वेब 5 से तो ज़्यादा नज़र आता ही है आज भी। जोधपुर से चेन्नई की, राजस्थान से तमिलनाडु, ये क्या मुझे ठीक नज़र आ रहा है कि ये वेब 5 है? लगता तो वही है, वही है। गुड, शुक्र है भाई ये भी नज़र आया। 2 लाइनों वाला भारत का अब तक का सबसे तेज तरीन लोकोमोटिव वेब 5। ये तो कहीं कहीं नज़र आता है, खसूसन गतिमान के आगे इसका जब दौड़ते हैं ना, जब 160 किलोमीटर के ऊपर दिल्ली से झांसी के बीच। लेकिन बड़ी अच्छी बात है जी, यहाँ देख के भी अच्छा लगा। मेरा तो ख्याल था कि शायद ये इक्का दुक्का ही हैं और उसी एक रूट के ऊपर ही हैं, पर नहीं, अच्छी बात है जो इधर ये साउथ वाली साइड पे भी कहीं नज़र आ जाता है तो। लेकिन ज़्यादातर तो अभी भी वेब 7 ही नज़र आए हैं, 4 हो गए हैं अब तक, शायद आगे भी ये 5वां भी। लेकिन फिर भी चलो, डीजल भी देख लिया, वेब 4 भी, वेब 5 भी, कुछ मिक्स हो गया। वरना पीछे तो कुछ एक वीडियो ऐसे गुजरे हैं जहाँ पे 10 के 10 ही यही होते थे,
जब भी सुपर फास्ट ट्रेन की बात होनी तब वेब सेवन वेब सेवन वेब सेवन, और किसी को पास नहीं लगने देता था। यहाँ तो फिर भी कोई डीजल आ गया, कोई वेब फोर आ गया, वेब फाइव आ गया। मुंबई CMST से जनशताब्दी, CMST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, क्या खूबसूरत इमारत है। ओ ये भी अच्छी बात है। ये फिर वेब फोर है। फिर भी आधे आधे तो अब तक आ चुके हैं, वेब सेवन भी, ये वेब फोर। इसकी भी अपने वक्त में बड़ी टोर टप्पा था, अब तो काफ़ी पुराना पुराना भी लगता है। ये वेब फोर ही था, इसकी खिड़कियाँ नहीं नज़र आई। अगर ये वेब फोर था तो इसे इन हमाक से पढ़ना पड़ेगा। वेब सेवन, ना ना नहीं नहीं, ये वेब सेवन कहाँ से था यार, इतनी तो नहीं ना गलती होती। चलो अगर वेब फोर नहीं है तो फिर वेब सेवन भी नहीं है, ये तो नई बात ही पढ़ने को मिल गई। इस बात में पढ़ने में ही डाल दिया। गुड, लेकिन मेरा अंदाज़ा तकरीबन ठीक ही रहा। मेरा तो ख्याल था शायद 2-3 तक वेब सेवन सीमित रहेगा, तो इस वीडियो में ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी और हमें तरह तरह के लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे, लेकिन नहीं, करते कराते भी 5 वेब सेवन हमें इस 10 की मजमूए में देखने को मिल गए, तो 50% तो फिर वेब सेवन ही छाए रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पर वेब फाइव देखने को मिल गया, जो हमें किसी भी तेज़ रफ्तार ट्रेन के मजमूए में आज तक नहीं देखने को मिला, क्योंकि जब भी तेज़ रफ्तार ट्रेनों की बात होती तब वेब सेवन वेब सेवन वेब सेवन। पीछे 2-3 वीडियोस देखे भी ऐसे हैं कि मुसलसल ही वेब सेवन हमें देखने को मिला था, तो सच में मैं खुद बड़ा उससे एक बोरिंग सी सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई थी। लेकिन इस वीडियो में कुछ मुनफरद यह था कि हमें यहाँ पर वेब फोर भी देखने को मिला, डीजल लोकोमोटिव भी देखने को मिले और वेब फाइव भी देखने को मिला। वेब सेवन 2000 के आसपास इसके यूनिट तैयार किए गए हैं और भारत में लंबे दुराने पर चलने वाली ट्रेनों के आगे ये लगाया जाता है, और ये भारत में बिला शुबा स्पीड का किंग भी माना जाता है। हालांकि ये सबसे तेज़ लोकोमोटिव नहीं है, और सबसे तेज़ लोकोमोटिव वेब फाइव है, लेकिन उसके बावजूद लंबी ट्रेनों को खींचने के लिए दूर वाले फासलों तक वेब सेवन को ही इस्तेमाल किया जाता है। और मेरा ख्याल वैसे था कि शायद अगर 2-3 तक 4 तक भी हो तो ठीक है, लेकिन ये 5 तक आ गया, अच्छी बात है, नहीं तो 7-8 तक भी पहुंच जाना था, क्योंकि ज़्यादातर हमें नज़र ही वेब सेवन आता है। लेकिन यहाँ पर हमें डीजल, वेब फोर और वेब फाइव भी देखने को मिला। वेब फाइव हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, हालांकि जिस रफ्तार से मजमूए तैयार किए जाते हैं भारत की तेज़ रफ्तार ट्रेनों के, वहाँ पर हमें वेब सेवन वेब फाइव भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें वेब सेवन ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। और वेब फाइव दिल्ली से झांसी के बीच गति मान के आ गई 160 के ऊपर, अपनी शान और शौकत कायम रखे हुए। बहरहाल उसको इस वीडियो में देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और एक हमारा पसंदीदा डीजल लोकोमोटिव भी बीच में आ गया, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। और ट्रेनें जो एक अंदाज़ वैसा ही था, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था कि कोई मुनफरद हो, बाकी जो एक ट्रेन से स्टेशन से निकलते हुए कर्व बन रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और बाकी फिर से ये दोहराऊंगा कि जो अच्छी बात थी वो यही थी कि वेब सेवन के अलावा भी कुछ लोकोमोटिव देखने को मिल गए सुपर फास्ट ट्रेनों के आगे। अगर आप एक रेल फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवे को लेकर, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा, हम बहुत जल्दी सुमित के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।